हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में हम लोगों ने नेचर ऑफ द मैटर के संदर्भ में कुछ अध्ययन किया था। स्टडी उसके करने के बाद में आज सेकंड वीडियो के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अलग अलग उसकी बेसिस के आधार पर उसको हम लोगों ने बांटने की कोशिश किया है। कहते किसी भी मैटर की यदि अपीयरेंस और उसकी फील के अकॉर्डिंग वो कैसा दिखता है, और रफ है या स्मूथ है, वो चिकना है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने मैटर को क्लासिफाइड किया है दो पार्टों में। फर्स्ट पार्ट क्या है? रफ। एंड सेकेंड क्या है? स्मूथ। रफ, इसका गुड एग्जाम्पल यदि आप देखें तो साइड पेपर, ये साइड पेपर कहलाता है। तो साइड पेपर में इसकी सरफेस कैसी है भाई? तो रफ है। दूसरी एग्जांपल यदि आपने देखे तो उसमें आप ब्रिक को ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, हार्ड होता है और उसकी सरफेस जो होती है वो कैसा होता है? रफ होता है, वो रुकड़ा होता है, खुरदरा होता है। तो वैसे क्या है? वैसे को रफ सरफेस कहा जाता है। और सेकेंड क्या है? स्मूथ सरफेस। उसकी सरफेस कैसी है? स्मूथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल की बात की है, तो मोबाइल की ये सरफेस कैसी है? ये कैसा है भाई? तो स्मूथ है, ये स्मूथ है। कि किसी तरह की स्टील की यदि बर्तन यदि आप देखते हैं, कोई भी वेसल्स लेते हैं, तो उसकी सरफेस जो होती है कैसा होता है? स्मूथ होता है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट पासिंग थ्रू देम, वैसा चीज जिससे कि क्या हो, लाइट क्या हो, पास करे। जैसे गुड एग्जांपल यदि बात हम लोग करते हैं एयर, ये हमारी इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट में हमने क्या दिया, लाइट को पास किया, तो बीच की स्पेस में क्या है, इससे क्या होता है, लाइट वो पास कर जाता है। ये दूसरी बात यदि कहते हैं कि इसकी गुड एग्जांपल क्या है, ये ग्लास है, तो ग्लास से क्या हुआ, आपने यहां देख रहे हैं कि इसे लाइट हमने पास कराने की कोशिश किया और ये लाइट बिल्कुल क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको एक्टिविटीज के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें वाटर हमने डालते, क्लीन वाटर यदि डालते हैं और उसे हमने लाइट को पास कराते हैं तो लाइट क्या होगी, वो उसकी दूसरी तरफ में, दूसरी सरफेस की पास में वो उसकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो और इमेज की फॉर्मेशन जो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट पर होता है। कभी भी इमेज की फॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पास में नहीं होता है। तो और इसकी हम लोगों ने डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, और इसको क्लासिफाइड किया किसमें, तो तीन पार्टों में हमने किया। फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, तो इसका ट्रांसपेरेंट, सेकंड क्या, ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उस तरह की कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसको कहेंगे, द मटेरियल्स बाई विच द लाइट कैन बी पास थ्रू देम। तो वैसे मटेरियल को ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहा जाता है। गुड एग्जांपल क्लीन वाटर, जैसा कि अभी आपने एक्टिविटीज में देखा, क्लीन एयर और ग्लास, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड एज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट बाय विच द लाइट पार्शियली पास थ्रू देम। उससे क्या होगा भाई, लाइट जो पास तो करेगा लेकिन वो पूरी की पूरी लाइट पास नहीं कर सकता है। यहां पर देखिए आप, गुड एग्जांपल यहां आपके पास में एक्टिविटीज भी हम लोग कर सकते हैं। या बॉटल जो है या क्लीन नहीं है, इसका सीट कैसा है भाई, तो लूसेंट है, उसे लाइट पार्शियली पास करता है, इसे अच्छी तरह से लाइट पास नहीं करता है। जैसा कि आपने इसको कंपैरेटिव यदि देखे तो ग्लास से क्या हुआ, लाइट कंप्लीटली पास थ्रू कर जाता है, लेकिन यदि ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं तो लाइट इसे कंप्लीट पास नहीं करता है। तो इस तरह से हमने एक्टिविटीज के माध्यम से भी इसको हम लोगों ने समझने की प्रयास किया। थर्ड पार्ट इसका जो दिया गया है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसे लाइट कैन नॉट बी पास थ्रू देम। इसका डिफिनेशन हम लोगों ने यदि बोलना होगा तो कहते हैं द ऑब्जेक्ट बाय विच द लाइट कैन नॉट बी पास थ्रू देम, वैसे ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट कंप्लीटली पास नहीं करता है। तो यहां पर आपने देखा क्या है भाई, यह ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है,
और वुडन ब्लॉक पर यदि हमने लाइट को पास कराने की कोशिश किया तो वो लाइट क्या होते हैं, पास नहीं करता है, इसकी लाइट कहीं भी आपका वॉल पर पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो है वुड जो है वो क्या है, ओपेक है। आपने इसकी अनदर एग्जांपल भी यदि देखें तो इसकी थर्ड साइड में क्या है भाई, इट इज ऑल्सो ओपेक, इसकी लाइट आप सेकेंड साइड में बोर्ड पर आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप क्या है भाई, ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर द ट्रांसपेरेंसी हम लोग कह सकते हैं क्या कि द ऑब्जेक्ट या मैटर इज द क्लासिफाइड ऑन इन द थ्री पार्ट्स और थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज अ ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज अ ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड इज अ ओपेक मटेरियल। गुड एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्लीन वाटर, क्लीन एयर, ट्रांसलूसेंट में फ्रॉस्टेड ग्लास, प्लास्टिक सीट एक्सेट्रा, एंड ओपेक में वुड, बुक, वॉल एक्सेट्रा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज अ मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल टू ईच अदर, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन, मिक्स करना, आपस में वो क्या होते हैं, मिक्स कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या कि आपने जैसे समर की छुट्टी हम लोग के पास भी हो जाती है और ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने क्या लिखा, कोई थिंग्स को लिख दिया, नेचर ऑफ दी सब्सटेंसेस लिख दिया और वो इरेज उसको नहीं करते और उसको छूट जाता है। सेकेंड टाइम जब स्कूल खुलती है और आपने उसको इरेज करने की कोशिश करते हैं तो इरेज तो हो जाता है लेकिन लिखा हुआ कंप्लीटली वो पास नहीं होता है। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन इन अ सॉलिड, इसमें डिफ्यूज जो करता है सॉलिड में जो डिफ्यूजन जो होती है वो लास्ट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पे होता है, वो कभी भी इजिली नहीं होता है। लेकिन डिफ्यूजन यदि बात करते हैं तो लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, वो जल्दी होता है, क्विकली होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आपके मन में ऐसा होता है क्या? तो जिनकी इनकी मॉलिक्यूल जो होती है, सॉलिड की जो मॉलिक्यूल जो होता है वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड में जो होगा इसकी मॉलिक्यूल जो होते हैं कंप्लीटली पैक्ड होते हैं टू ईच अदर। आपने यहां पर डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें तो जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सभी आपस में क्या है, क्लोजली पैक्ड है। लेकिन यदि यदि लिक्विड की बात यदि हम करते हैं तो लिक्विड में आपने देखे कि कंपैरेटिवली क्या है, सॉलिड की अपेक्षा इनकी मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर तक अरेंज है। लेकिन गैस में यदि इसकी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो गैस में इनकी मॉलिक्यूल क्या है, काफी दूरी पर अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर द अरेंजमेंट देयर द पार्टिकल्स आर द डिफरेंट वेज, इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर द कंप्लीटली पैक्ड, इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स पैक्ड लूजली, पैक्ड होते हैं लेकिन वो लूजली होते हैं। इसका हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं कि इसको यदि दोस्ती की बात में यदि कर देती हैं तो कहता है क्या कि दोनों की मॉलिक्यूल्स आखिर ये पैक होते हैं तो क्यों होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। हम लोग इसको इस तरह से समझने की प्रयास यहां पर करें कि वन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और सेकेंड मॉलिक्यूल है ये दोनों में क्या होता है, बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है और इस फोर्स के कारण ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो सॉलिड में जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स काफी क्या होगा, सटे हुए होते हैं, क्लोज होते हैं ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज द ग्रेटली देन द लिक्विड एंड द गैसेस, एंड स्पेस क्या हो गया, स्पेस फोर्स इज ग्रेटर एंड स्पेस इज लेस, स्पेस जो होता है सॉलिड में क्या होगा, लेस होता है और लिक्विड में क्या होगा, किसकी स्पेस, आपने यहां पर देखा कि दोनों के बीच में स्पेस क्या है, सॉलिड की कंपैरेटिवली क्या है, अधिक है। तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं।
तो डिफ्यूजन की बात हम लोग कर रहे थे यहां, तो डिफ्यूजन में भी हमने क्या देखा कि सॉलिड में होगा बिल्कुल कम डिफ्यूजन होता है, देर से होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन से होता है, लेकिन लिक्विड में क्या होगा डिफ्यूजन, वे लूजली पैक होने के कारण, उनकी मोलेक्यूल्स लूज पैक होने के कारण वो सारे क्या होते हैं आपस में इजिली मिल जाते हैं, और गैस की में जो मोलेक्यूल्स होते हैं काफी दूर दूर तक बिखरे हुए थे, इसलिए इनमें डिफ्यूजन क्विकली होता है। हमने इसकी डिफ्यूजन इन अ गैस की बात करते, आपने देखा होगा कि अगरबत्ती यदि ये जलाती है, हमने कॉर्नर में यदि अगरबत्ती जलती है और वो अगरबत्ती का स्मेल जो होता है गेट तक पहुंच जाता है, दूर तक पहुंच जाता है, ये आखिर क्यों, तो इसकी मोलिकुल्स की अरेंजमेंट क्या होती है काफी दूर दूर तक होते वो जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने यहां पर आपके लिए एक एक्टिविटीज दोहरा रहे हैं, आपने इसमें देखेंगे हमने ये ग्लास लिया और ग्लास में हमने थोड़े सी क्या डाला है वाटर डाल दिया, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। आपने इसमें आप देखिए इट इज अ इंक, ये क्या है इंक है, और इंक भी क्या है लिक्विड है और वाटर भी क्या है लिक्विड है, और दोनों को यदि हम आपस में मिक्सिंग कराते हैं तो इनकी मॉलिक्यूल्स देखना किस तरह से क्या होते हैं आपस में धीरे 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 वे मिक्सिंग कर जाएंगे, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसके पूरी मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्लीटली क्या होगा कलर कर देगा। तो यहां पर हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज को जानकारी करने की कोशिश किया। थैंक यू टू ऑल ऑफ।